देखिए ये दोबारा जो है लॉकडाउन में ही 12 मई से चालू हो गया है। 17 शिक्षक डरा हुआ है क्योंकि दूर दूर से शिक्षक आते हैं, सवारियां चल रही नहीं है, तो बहुत से शिक्षक जिनको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता वो कैसे आ रहे हैं वो जान रहे हैं, वो किसी को लेकर आ रहे हैं, एक आदमी को लेकर आ रहे हैं, वो समस्या भी साथ में। दूसरी हमारा ये जो केंद्र है मूल्यांकन के, रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में सामने गेट पे बस लगी हुई है, श्रमिक आ रहे हैं वो भी बॉम्बे से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उसमें कितना पॉजिटिव है। अभी आप एक केस देखिए, ट्रेन में ही निकला है फैजाबाद का ही, मानापुर गांव का जो डेड बॉडी निकली वो पॉजिटिव निकला है। तो शिक्षक डरा हुआ है, इसका कोई बीमा वगैरह भी नहीं है। हम लोग चाह रहे थे कि CBSE की तर्ज पर मूल्यांकन घर पर हो, परीक्षक को दिया जाए कापी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ हम लोग आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं सरकार की, तो आना ही है क्योंकि भाई उसमें नियम है बाकायदे कि इसके तहत आपको दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। सो हम आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, अपना जो पालन कर रहे हैं अपने हिसाब से बचाव कर रहे हैं। तो सर अभी आपने बताया कि डरवश कर रहे हैं काम, तो क्या इसके लिए आपने कोई अपने संघ से कोई जी हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट ने बाकायदे जो है मांग किया है, MLC ने मांग किया है, माननीय उमेश द्विवेदी जी MLC हैं लखनऊ के, उन्होंने मांग किया है, अजय एडवोकेट यहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी मांग किए हैं, मांग किया गया, लेकिन सरकार जो है इस बारे में कोई विचार नहीं कि सीधे आदेश दिया कर रहे हैं। कितने आप कितने किलोमीटर से यहाँ पर किस केंद्र पे आप काफी चेक कर रहे हैं? हमारा विद्यालय यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पे है, यहाँ गोसाईगंज से भी लोग आते हैं जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, खपड़ाडीह यहाँ से 42 किलोमीटर। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के सब हैं टीचर? सब अलग अलग कॉलेज के, पूरे जिले के तमाम कॉलेज हैं वहाँ। तो क्या आप डाउन करते हैं यहाँ? डेली आना जाना, डेली आना जाना होता है, डेली घर से आना है, जो गाँव के दूर के वहाँ से आ रहे हैं, कुछ लोग शहर में हैं शहर से आ रहे हैं। तो ये सर मूल्यांकन जो कर रहे हैं कितने समय तक हो जाएगा या अभी और खींचेगा? उम्मीद ये है कि 20 मई तक ये एक चरण में हो जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कुछ सब्जेक्ट को रोक दिया गया। अच्छा। सारे सब्जेक्ट पहले एक साथ हो जाया करते थे, अब चूंकि कमरे कम हैं इसलिए जो है सामाजिक विज्ञान की कापी यहाँ भी नहीं चलती, वो 22 मई के बाद चालू। इस संकट को देखते हुए सर किस तरह से आप लोग एहतियात बरतते हैं कि क्या पालन करते हैं आप लोग? पूरे जो भी सरकार जो निर्देश जारी किया है, सामाजिक दूरी का है या मास्क का है, ग्लव्स का है, सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, सब पूरी व्यवस्था के साथ हम सजग रहते हैं, लेकिन फिर भी डरे हुए हैं क्योंकि कौन कैरियर है। बहुत से ऐसे होते हैं सिम्टम 3 दिन बाद आता है, पता लगा यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग में भी वो बच गया और यहाँ बीच में हमारे हैं, तो किसको कब हो जाए कुछ नहीं, क्योंकि यह दृश्य हमको दिखाई थोड़ी पड़ रहा है। मतलब ये आप चाहते हैं कि जैसे जिस प्रकार CBSE बोर्ड की कॉपी बिल्कुल टीचरों को दी गई है, सारा शिक्षक यही चाह रहा था, शिक्षक संघ यही चाह रहा था, लेकिन सरकार भी किसी की नहीं। हमारे केंद्र पर तो शिक्षक बहुत ही शांतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं और जो भी हमने या शासन द्वारा जो भी निर्देश बताए गए हैं उसका पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग होती है, 9:30 से 10:30 बजे प्रवेश दिया जाता है और एक डायरी में पूरा सबका डिटेल भी नोट किया जा रहा है कि कोई ऐसा परीक्षक या कोई भी अनधिकृत व्यक्ति विद्यालय परिसर में प्रवेश न कर सके। उसके पश्चात वो अपना हैंड वॉश करते हैं, टिश्यू पेपर उनको दिया गया है, सैनिटाइज़र दिया गया है और फिर वहाँ से ये जाते हैं, अपना कोठार से कॉपियाँ इशू कराते हैं और ले जाके अपने शिक्षकों को बैठाते हैं, बांटते हैं आपस में। और जो बैठाने की व्यवस्था की गई है वो एक बेंच पे एक परीक्षक बैठा है। हाँ, ये अलग बात है कि दूर से आते हैं परीक्षक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो उनको देरी हो जाती है आने में। तो हम लोगों ने CMO साहब से निवेदन किया है कि थर्मल स्क्रीनिंग का समय थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि परीक्षक दूर से आते हैं और कई जगह रोका जाता है उनको, फिर जब वो दिखाते हैं तो उसमें समय तो जाता ही है। तो फिलहाल इसमें कल मैंने इस संबंध में एक पत्र डाला था और वार्ता भी किया था CMO साहब से, तो उन्होंने आज थोड़ा समय बढ़ा दिया है। मैम, ये जिस प्रकार से एक ये संकट भरे समय चल रहा है और कोरोना वायरस से लोग भयभीत हैं, ऐसे में टीचरों का कहना है कि हम लोग काफ़ी भय के साथ ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि ये आदेश दिया गया है काफ़ी चेक करने का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब चूँकि ये वैश्विक समस्या है और इसका कोई निदान अभी भविष्य में दिख नहीं रहा है सिवाय परहेज और आपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही काम किया जा सकता है। इसी को मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए मूल्यांकन कार्य इन परिस्थितियों में भी लागू कराया। हालांकि शिक्षक थोड़ा डरे हैं
और हम लोग भी चाहते हैं कि कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना न घट जाए कि पूरा थोड़े से काम के लिए पूरा सारे लोगों को परेशानी हो। फिलहाल पूरी व्यवस्था की जा रही है कि ऐसी कोई समस्या यहाँ उत्पन्न ना हो।